तो जैसे आपने देखा मैं जिम में एंट्री हुआ और एंट्री करते के साथ सबसे पहले मैंने धरती को पूजा, उस जिम को पूजा। ये आपको हमेशा करना चाहिए क्योंकि कहते हैं ना हर चीज में भगवान वास करता है। तो जब आप किसी चीज की पूजा करेंगे तो जरूर वो आपका साथ देंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे सभी भाइयों का आपके YouTube चैनल आशीष खन्ना फिटनेस सीरीज में। तो चलिए आज जिम में मेरा पहला दिन है, ठीक है ना, और ये मेरी पहली वीडियो भी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं क्या करूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुछ एक्सरसाइज। तो सबसे पहले एक्सरसाइज चालू करते हैं हम बार। तो जैसे कि किसी भी गाड़ी को चालू करने से पहले उसको थोड़ा सा रेस दे के उसके इंजन को गर्म करना पड़ता है, वैसे ही बॉडी को कुछ भी करने से पहले उसे गर्म करना पड़ता है। गर्म करने का मतलब ये है कि जैसे कि आपके जॉइंट्स हो गए, आपकी पीठ हो गई, आपके मसल्स जो भी हैं, तो उनको काम में लाने के लिए उनकी थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे जंपिंग, जंप जिसे बोलते हैं जंप करना, ठीक है। आपको हाथ नॉर्मल रखने हैं और आपको धीरे से जंप करना है सीधा देख के, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज है स्पोर्ट्स रनिंग। तो स्पोर्ट्स रनिंग में आपको क्या करना है, भागना नहीं है, सिर्फ आपको एक ही जगह पे खड़े रह के आपको रनिंग करनी है, ठीक है। ये देखिए ज्यादा नहीं, नॉर्मल। तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग का तो मतलब आप जान ही चुके होंगे, हिलाना, ठीक है, कमर हिलाना, ठीक है। चलो तो हाथ को आपको ऐसे रखने और धीरे से, ठीक है, इससे आपका जो कमर है उसके अंदर जो भी मसल्स आपकी मतलब टाइट है या कुछ भी है वो खुल जाएंगे। तो अब चौथी जो हमारी एक्सरसाइज है उसे कहते हैं पीटी। पीटी आपने तो सुने ही होगा, पीटी उषा ने जो स्कूल में हमें टीचर्स पीटी कराते थे ना उसी को पीटी कहते हैं। तो उस पीटी को करने का तरीका ये है, ठीक है, अपने दोनों हाथों को, ठीक है। तो अब हमारी हो गई ऐसे चार एक्सरसाइज। अब ये चार एक्सरसाइज हमें एक के बाद एक कंटिन्यूस करनी है, 10 जंप, 10 स्पोर्ट्स रनिंग, तीसरी हो गई हमारी ट्विस्टिंग और चौथी हो गई पीटी। अब मैं ये चारों एक्सरसाइज आपको एक साथ करा रहा हूँ और इसके तीन सेट करने, ठीक है, तीन सेट। चलो शुरू करते हैं, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। ऐसी करके आपको तीन सेट करने हैं, ठीक है ना भाई, पैसे लगाए तो भाई कर लेना, ठीक है। चलो तो जैसे मैंने आपको पहली वार्म अप एक्सरसाइज कराई है उसमें आपकी बॉडी गर्म हो चुकी होगी। अब गर्म होने के बाद दूसरी जो आपको एक्सरसाइज बताऊंगा वो है स्ट्रेचिंग। आपको स्ट्रेचिंग नहीं करने से आपको चोट आ सकती है, वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, वो जैसे जैसे आप धीरे धीरे करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो अब हमारी जो वार्म अप के बाद पहली एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में आपको फॉरवर्ड बैंड करना है, फॉरवर्ड बैंड मतलब सांस लेके धीरे धीरे नीचे छोड़ के आना है, ठीक है, फिर सांस लेनी है, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे आना, ठीक है। ये आपको 10 बार करना है और वो भी कंटिन्यूस, ठीक है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसे आपको 10 बार कंटिन्यू करना। तो अब हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है आर्म्स और बैक,
तो इसके लिए अब आपको सांस भरनी है और ऊपर खींचना है बिल्कुल, समझ रहे हैं? ऊपर आपके पंजों पे होगा आपका वजन और आपकी एरिया ऊपर, और पूरा हाथ को खींचिए, ठीक है ना? इससे क्या होगा कि आपकी पूरी जो नसें जो भी है ना वो खुल जाएंगी, इससे आपको बहुत मजा आएगा। वेट में तो ज्यादा मजा आएगा जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, सबसे ज्यादा करनी चाहिए। तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है शोल्डर और बैक। तो इसके लिए क्या करना है, आपको स्ट्रेच करना है, हाथ को अपने ऐसे रखना है और धीरे से आपको एक साइड झुकना है राइट साइड में, और फिर इस हाथ को यूं पकड़ना है और फिर लेफ्ट हैंड साइड में झुकना है। ये भी आपको 10 बार करना है, ठीक है? अब हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है वो है चेस्ट एंड आर्म स्ट्रेचिंग, ठीक है ना? आर्म्स और चेस्ट, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा मुड़ के दिखा देता हूँ। ये आपको लेना है और इसको देखोगे तो ये बिल्कुल चेस्ट पे आपके वो आएगा, मतलब आपको दबाव पड़ेगा, ये चेस्ट की आपको स्ट्रेचिंग है, ठीक है? ये भी आपको 10 बार करना है। तो ये जो भी आपने अभी तक मेरी एक्सरसाइज देखी, ये मैं तो रोज करूंगा क्योंकि मुझे तो करना ही करना है, और आपको भी ये रोज करनी चाहिए क्योंकि ये रोज करना बहुत बेनिफिट है, इसके बहुत बेनिफिट है, आप जरूर करिए। क्योंकि आप किसी भी कोच के पास जाएंगे, ट्रेनर के पास जाएंगे, वो आपको सबसे पहले वार्म अप ही करवाएगा और आपको स्ट्रेचिंग करवाएगा, वरना आपको इससे आपको वो करने भी नहीं देगा क्योंकि चोट लगने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अब हम जो करेंगे, अब इसके बाद जो नॉर्मली ट्रेनिंग होगी वो मैं चालू करूंगा अपने पुशअप से। पुशअप तो आप जानते होंगे, ठीक है ना? तो वो पुशअप करूंगा, पुशअप के बाद मैं नेक्स्ट बाय नेक्स्ट बाय नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज बढ़ाता चलूंगा। पर ऐसा नहीं है मैं आपको एक दिन में बहुत कुछ सिखा दूंगा, क्योंकि मैं भी इतना नहीं कर पाऊंगा और आप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी ये स्टार्टिंग है, पहली क्लास है हमारी, तो हम 12वीं क्लास की पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो हम पहली क्लास की तरह पढ़ाई करेंगे, ठीक है? जो चलो, तो क्लास पहली का पहला पार्ट मेरे पुशअप, मैं तो पुशअप लगाऊंगा, आपका मुझे पता नहीं, ठीक है ना? तो मैं आपको पुशअप लगाने के सही तरीका बताऊंगा, सही तरीका। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कई लोग जो मैंने देखा है बहुत गलत पुशअप लगाते हैं, बहुत गलत, उससे मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ, वो आज बेशक से 100 पुशअप लगा ले, पर वो जब 40 से 50 साल की उम्र में आएंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ वो आपको अपनी कमर को पकड़ते हुए दिखेंगे, ठीक है ना? वो मैं नहीं चाहता, हमें बहुत लंबा जाना है, तो सही चीज को सही। सबसे पहले आपको सांस भरनी है,
ऊपर आओगे तो सांस छोड़नी है। तो आप देखो मेरी पोजीशन इतनी परफेक्ट है कि आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है ना, और आपके कंधे बिल्कुल पीछे की तरफ टाइट होने चाहिए, ठीक है ना, चेस्ट बिल्कुल सीधी, हाथों के बराबर, ठीक है, सांस भरो। ठीक है, ऐसे करके आपको 3 सेट मारने हैं, 1 सेट में 10 बार पुशअप लगेंगे, ठीक है। ये आपके पुशअप एक्सरसाइज जो है चेस्ट के लिए बहुत बढ़िया होती है, पूरी बॉडी के लिए अच्छी होती है वैसे, क्योंकि इसमें आपकी हर एक नस जो भी होती है वो सब इसमें काम करती है। तो जैसा कि अब अभी हमने पुशअप किए हैं, अब पुशअप के बाद करने हैं लेग्स। लेग्स की एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही सिंपल है, आपने बहुत किया होगा, जिसे कहते हैं डंड, उठक बैठक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वाट्स। चलो, तो दंड हम जो लगाएंगे, सबसे पहले आपको हाथ ऐसे करके, कई लोग अपने हाथ ऐसे रखते हैं, कई लोग ऐसे रखते हैं, कई लोग ऐसे करके मारते हैं। तो जो मेरा तरीका है, आप किसी भी तरीके से मार सकते हो, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें भी सांस अंदर लेनी है, ठीक है ना। तो देखो, ठीक है, शुरुआत कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैंने अपने हाथ ऐसे रख लिए, ठीक है, सांस भरी, छोड़ी, ऊपर आओगे तो छोड़ोगे, नीचे बैठोगे तो लोगे, ठीक है ना, अंदर बाहर, ठीक है ना। और ये जो कमर है, कमर इसको हमेशा सीधी रखनी है, बहुत, आपको फिर कह रहा हूं, आपकी जो कमर है वही आपका आगे का जो जीवन होता है ना उसको बहुत आसान बनाती है। कमर को आपको हमेशा अपने बचा के चलना है, और कोई गलत एक्सरसाइज जो इससे कमर में आपके दिक्कत हो जाए वो मत करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है ना, मैं आपको 3 बार लगा के दिखाता हूँ, इसके भी 3 सेट मारने, 1 सेट में 10 बार। चलो, तो शुरुआत करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले हाथ शुरू रखते हैं, सांस अंदर, ठीक है, मैं आपको फिर अपनी कमर दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है ना, ये देख लो मेरी कमर बिल्कुल सीधा, और ये जो आपकी टांगे होंगी ये आपके कंधों के बराबर ही खुली रहनी चाहिए, ठीक है। कई लोग ऐसे खोल लेते हैं, कई लोग ऐसे खोल लेते हैं, इसमें भी 100 लोगों में से 90% लोग गलत करते हैं, चाहे वो कितने भी प्रोफेशनल जिम के बंदे हो, कितने भी हो, पर मैंने जो देखा कई लोग बहुत गलत करते हैं, कोई फायदा नहीं है, उसका रिजल्ट आगे जब 40 से 50 साल की उम्र में पहुंचेगा तब पता चलेगा उसको, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले आपको सांस लेनी है अंदर, एक सांस छोड़नी, दो, तीन, चार, ठीक है, ऐसे 3 सेट मारने हैं, और 1 सेट में आपके 10 बार ऊपर नीचे उठक बैठक लगनी चाहिए, 10 का मतलब 10, कम से कम यार इतना तो मार दो, अब इतने भी क्या लोगे, आगे आगे इसको बढ़ाते चलना, क्योंकि बढ़ाते चलोगे तो आपकी स्टैमिना बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना, और स्टैमिना बढ़ेगी तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज बहुत, बोलते हैं, सिंपल हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ हम यही रखेंगे, अगली वीडियो में आपको मैं ये जो वेट्स हैं इनको यूज करने का तरीका दिखाऊंगा, और जो मैं करूँगा मैं भी आज यही तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि मैंने जो सीखा है मैंने वही बोल रहा हूँ, जो मैं सीखूंगा वो आपको सिखाऊंगा और कुछ गलत नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सब चीज़ें बताएंगे कि हमें क्या एक्सरसाइज करनी है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इतना, आपका मैंने इतना समय ले लिया और आपने ये मेरी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छा इम्प्रूव कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों, पर जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक छोटी सी बेल आइकन होगी उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों का प्यार मिल सके।